हमारा जो फियर है ना, अगर फंडामेंटली आप देखोगे, दिस इज द फियर ऑफ द अननोन, दिस इज द फियर ऑफ चेंज, कि ये जो मेरी कंफर्टेबल सिचुएशन है अगर ये बदल गई तो क्या होगा। तो इफ यू कैन एम्ब्रेस द अननोन, एंड 99.99% ऑफ द लाइफ इज इन द स्फीयर ऑफ द अननोन, आपकी जो नॉलेज है दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड, वो तो 0.00001% है जिसके अंदर आप गोल गोल घूम रहे हो और उसको पकड़ करके बैठे हो। आप कह रहे हो बस यही लाइफ है, अगर ये मेरे हाथ से चली गई, जो भी इस लाइफ में है, लोग हैं, सिचुएशंस है, जो भी कुछ है, ये चला गया तो मेरी लाइफ ही बेकार है। जबकि ऐसा नहीं है, इसके बाहर हो सकता है बहुत कुछ हो, बट हम उससे डरते हैं। तो इफ यू कैन सी दिस रियलिटी कि लाइफ इज इन द अननोन, ग्रोथ इज इन द अननोन, ग्रोथ कांट बी इन द नोन, इफ यू कैन एम्ब्रेस द अननोन, अननोन जिसको चेंज बोलते हैं, विच इज द वेरी नेचर ऑफ लाइफ, विच इज द वेरी नेचर ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज नथिंग इज स्टैटिक इन लाइफ, इफ यू कैन सी इट एज अ फैक्ट कि सब कुछ बदलेगा। ये बात अभी समझ नहीं आएगी आप लोगों को इस एज में, ये मैच्योरिटी कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद आती है, एक पर्टिकुलर एज के बाद में आती है, जब हम अपनी ही लाइफ को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि एक टाइम पे जो ऐसा लग रहा था बिल्कुल लाइफ और डेथ सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा होता है कि इसके बिना तो मेरी लाइफ ही नहीं चल सकती, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी खत्म नहीं होता है, लाइफ चलती रहती है और बेटर होती रहती है अगर अंदर से आप सीख रहे हो, अंदर से आप ग्रो कर रहे हो। अगर वहीं पे स्टक हो गए हो, जो पास्ट में कुछ था बस उसी में आप स्टक हो गए हो, तो यू आर नॉट चेंजिंग विद लाइफ, लाइफ बदल गई है लेकिन आप नहीं बदल रहे हो। इफ यू कॉन्स्टेंटली चेंज विद लाइफ देयर इज नो फियर, उस चेंज में क्या आ गया, सब कुछ आ गया, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। इफ यू आर एक्चुअली ओके फॉर एवरीथिंग, मतलब कि बहुत स्ट्रगल करके एक लेवल पे आप पहुंचे हो, वो सब कुछ अगले दिन खत्म हो सकता है। इफ यू आर ओके विद दिस, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, ये पर्सन है जाता है चला जाए, जाती है चली जाए, इफ यू आर एक्चुअली ओके विद इट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन देयर इज नो फियर, देन यू आर लिविंग अ फियरलेस लाइफ, इसी को फियरलेस लाइफ बोलते हैं।